भी घर पहुंचता हूँ ना, आप घर की हालत देखो। क्या करा कायरा तुमने? ये व्हाट डिड यू डू कायरू? कायरू क्या किया तुमने? बस इसने तो भाई आतंक मचा रखा है, इसको क्या न्यू टॉयज मिल गए हैं। टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज बनेगी एग करी। कैसे दिखता है इसमें देखो, एग करी बनेगी। मेरी सब्जी है, मॉर्निंग की मैं राइस से खाऊंगी। ठीक है, ओके बाय। सो आज हमने मंगाया है कुछ स्पेशल फ्रॉम अमेज़न, और मैं आपको दिखाऊंगा कि वो क्या चीज़ है। सो दो चीज़ आई है, एक तो ये शायद कैमरा है, और इसमें मे बी मेमोरी कार्ड। इतनी बड़ी पैकेजिंग कर दी उन्होंने छोटे से मेमोरी कार्ड के लिए। सो अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दो पैकेट है एक्चुअली, मैं ना ऑर्डर करके भूल गया था। अरे मेरे बालों को क्या हो गया? क्या हुआ कायरू, व्हाट हैपेंड? हाँ तो बैठ जाना, ले चेयर इसको। भाई मेरी चेयर पे बैठना होता है, ठीक है? उम्मा करो उम्मा, बस खुश काम करने बैठा और इनकी लड़ाई शुरू। तो ये मंगाया मैंने 128 GB का मेमोरी कार्ड। दो कितना सा मेमोरी कार्ड है ये, किसलिए? और ये दिया है 1200 रुपए का। अरे उसमें डलेगा ना कैमरा में, इसमें सेव होगा सारा डेटा। चलिए इसको खोलते हैं, लेट्स सी। डू नॉट ओपन इफ सील इज डैमेज। नो इट इज नॉट डैमेज। सो क्या होगा, कैसे खुलेगा इसमें? यार वो कैमरा है, मैं बोल रहा था ना मैंने ऑर्डर किया था। मैं कायरा भी देख रही है क्या है इसमें, ये चीज ही नहीं है इसमें आज कायरा की। एंड हियर वी गो, चीज ही नहीं है, चीज ही नहीं है। को खोल लेता है। मैंने जो वीडियोस में देखा था ना कि इसका जो पाउच है साथ में वो बहुत गजब का है। आई मीन टू से यहाँ से भी लॉक्ड है पाउच है ना, ये देखो इतना बढ़िया पाउच है कि ये हम ट्रैवल वगैरह में कहीं लेके जा सकते हैं। बैग में रख लो और हमारा सारा सामान इसमें सुरक्षित है। एंड लेट्स सी व्हाट डज इट हैव। And 1 2 3 ta-da! So, इसमें मिला है हमको ये कैमरा, और ये जो इसका जो केस है वो केस लगा हुआ है इसमें। ये भी एक माउंट है, ये भी एक माउंट का ही कुछ सॉकेट वॉकेट है, ये भी उसी का है। ये पर भाई कितना सामान दे रखा है इन्होंने सारे। ये तो माउंट्स है, ये बैटरी है छोटी सी। इन्होंने बोला था दो बैटरी मिलेगी इसमें, एक ये भी और बैटरी तो एक ही दिख रही है अभी। एक और तो थी आप जो कहते हैं कि ये छोटी सी बैटरी। अरे नहीं ना, वही बैटरी है, ये बैटरी तो ही है मेरे ख्याल से। किसमें वो इसको खोल के देखते हैं। रुको, अब इसमें शायद बैटरी हो इसको। हाँ एक ही लग रही बैटरी। सो इसको फटाफट से ऑन करते हैं। ऑन कैसे होगा? एम, ओके, ये प्ले का बटन है। एम या ओके, क्या पता चार्ज करना पड़े पहले। देखना पड़ेगा तो उस पे कैसे लगेगा, हेलमेट वाला है। हाँ हेलमेट पे लगेगा, कैसे लगेगा उस पे लगेगा, मैं लगा के दिखाऊंगा। बस तो बहुत खुश हूँ जो ये प्रोडक्ट्स आए इनसे, और साथ में ये मेरा मेमोरी कार्ड। अभी भी और भी कुछ चीज़ें आनी बाकी है, लेकिन लेट्स सी। इसको लगाएंगे, थोड़ा खाना वाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद इसको टेस्ट करेंगे कि इसमें एक्चुअली क्या बनेगा। और बहुत कुछ दे रखा है यार इन लोगों ने, वेरी नाइस। सर्च करता था ना कैमरे के लिए, तो बहुत सारी कंपनी से कैमरा आ रहे थे, गोप्रो वगैरह वो सब। लेकिन यार क्या है ना कि मैं चाह रहा था कि एक एंट्री लेवल कैमरा लूँ जिससे कि मेरा काम भी हो जाए और उसके रिजल्ट भी थोड़े ठीक ठाक हो। सो इसके मैंने रिव्यूज़ वगैरह पढ़े थे और मैंने बहुत वीडियोज़ देखी इसके लिए, तो मुझे ये ठीक लग रहा है। देखो बहुत महंगा नहीं है, 9900 रुपये कुछ का कैमरा है, और जितनी सारी आप इसके साथ एक्सेसरीज वगैरह देख रहे हो मेरे ख्याल से बहुत ठीक है। और प्लस मैंने एक बाइक में हेलमेट में लगाने के लिए एक माउंट भी मंगाया, माउंट कह लो या स्ट्रैप कह लो वो मंगाया। सो अगर आप एक बजट एक्शन कैमरा देख रहे हो तो मेरे ख्याल से दिस इज़ नाइस। मैंने थोड़ा बहुत टेस्ट किया घर में, मेरे को ठीक लगा। लेकिन इसके रिव्यूज़ में भी लिखा हुआ है कि इसके जो बेस्ट रिजल्ट्स हैं वो नेचुरल लाइटिंग में आएंगे। सो अभी तो शाम हो गई है, मैं फिर किसी दिन में या कल वल जाके बाहर में ट्राई करूँगा तो कैसा लगता है। तो अगर आप ये कैमरा सोच रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप एक बार चेक कर सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो प्लीज़ बाय। और
और भी जब मैं इसको माउंट करूंगा मैं तब भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो देखते हैं कैसा होता है। थैंक यू, बाय बाय।